आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे माँ बाप हो या अपने घर वालों की, कोई किसी की मदद नहीं करता। सब आज की दुनिया में मतलबी है। इस मतलबी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं बेगूसराय में जो कि दूसरों के लिए सोचते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीम आश्रय की, जो कि बेगूसराय में सड़क किनारे हो या बेसहारा जानवर हो, उनकी वो मदद करते हैं। तो आइए बेगूसराय के उन चेहरे को पहचाने जो कहलाते हैं फेस ऑफ बेगूसराय। तो स्वागत है टीम आश्रय का। ये आपने कब शुरुआत किया था? हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, क्योंकि यूजुअली हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम की लोगों को खाना सही से नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के कारण, तो जानवरों को लोग कहाँ से देखेंगे। तो उस दौरान रेस्टोरेंट, होटल ये सब बंद था और काफ़ी जानवरों का खाना उनसे चलता था। तो फिर हमने सोचा कि अब लोगों से इकट्ठा करके खाना, घर घर जा करके हम लोग दो रोटी करके मांगते थे और फिर ढेर सारी रोटी जमा करते थे, या फिर चावल हो गया, कच्ची सब्जी हो गई, जो भी कुछ मिल जाए। तो हम लोग उसके बाद मांग करके एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद जो भी हमें स्ट्रे एनिमल या फिर रोड का जो भी जानवर दिखता था तो हम लोग उसको खाना देते थे। आज के दुनिया में तो अपने माँ बाप की तो लोग सेवा नहीं करते, तो आप जानवरों की सेवा क्यों, मतलब ऐसा सोच क्यों आया? सोच हमारी काफ़ी दिन से थी कुछ करने की, जानवरों के लिए कुछ करने की। बस यही था कि सही समय नहीं मिल रहा था और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब करेंगे। बट जब से लॉकडाउन हुआ ना, तब से हम लोग, इंसानों का हाल बुरा था तो जानवरों का कुछ कहना ही नहीं है, तो फिर तब से हमने ये सोचा एक करना है। तो बेसिकली आपने ये 4 महीने पहले से शुरुआत किया? जी हाँ। तो मेन इसका मतलब जो हेड है वो कौन है? स्टार्ट तो मैंने किया था बट अब हम सारे के सारे हेड ही हैं इसमें। आप उज्जवल जी इसमें क्यों जुड़े? आप इतने छोटे उम्र के हैं और इसमें जुड़ने का माध्यम क्या था आपका? मेरा इस चीज़ में जुड़ने का ये माध्यम था कि मैंने अमन भैया को देखा था, ये जानवरों की ये सेवा करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी इस चीज़ में इनकी मदद करूं। तो आपको अच्छा लगता है ये जानवरों की सेवा करना? हाँ। और आपके घर में कोई पेट वगैरह है? जी नहीं। मेरा नाम कुंज बिहारी, मैं मतलब ये सनफ्लावर में पढ़ता हूँ, मैं मतलब क्लास 11th में हूँ। तो आपका इस टीम में जुड़ने का क्या मतलब, क्या मकसद था? जब मतलब जानवर से बहुत मैं मतलब रोड पे देखता था, या मेरे कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे जानवर जो हमसे इंजर हो जाते थे, लेकिन मैं उनको मतलब रेस्क्यू नहीं कर पाता था, लेकिन हमारे मतलब ऐसे ही कमन भैया थे, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू इनका मतलब पता चला कि ये मतलब आश्रय मतलब स्टार्ट किए हैं, तो मुझे मतलब इच्छा हुआ कि ज्वाइन करने का इसमें, तो मैंने इनसे बात किया। आपका बेसिकली इसमें काम क्या है? मैं यही सोशल मीडिया का पेज हैंडल करता हूँ, जैसे कोई मतलब कुछ बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे जानवर रेस्क्यू, तो मैं इन्हें बताता हूँ, तो यही जाके देखते हैं। तो आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हैंडल करते हैं अपने पेज का, और आप मतलब जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का काम आप इसमें ये करते हैं। आपका काम यही है कि आप लोगों को इकट्ठा करते हैं कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कौन डोनेशन दे रहा है, ये आपका काम है। मेरा नाम ऑस्कर हुआ, मेरे काम इसमें फर्स्ट एड का है कि जितने भी इंजर्ड हो गए या इंस्टेंट अगर किसी को माने फर्स्ट एड चाहिए उस टाइम मेरा काम है, फिर जितना भी डॉक्टर से है या ज़्यादा इंजर्ड हो गए तो वो मैं लिख करना है मेरा काम। तो कभी आपको ऐसा लगा है या फिर ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जब आप फर्स्ट एड कर रहे हो तो गाय वहाँ से एक लात मारी हो आपको जोर का? लगा है। तो कैसा लगा उस समय, मतलब जोर का लगता है? ऐसा लगा कि खुद का फर्स्ट एड करना पहले पड़ेगा जरूर। जब उस समय गाय का जब दूध दोने जाते हैं तो गाय उस समय बहुत सारा परेशानी देती है, लेकिन जब वो घायल होती है, जब गाय या फिर कोई भी जानवर घायल होते हैं तो उस समय वो आक्रामक हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं उसको? नॉर्मली उस टाइम में ज़्यादातर एग्रेशन में नहीं रहते हैं, क्योंकि खुद इंजर्ड होते हैं तो वो पेन से खुद परेशान रहते हैं, तो उस टाइम में बहुत रेयर केस ये है कि जिसपे कि आक्रामक हो सकता है जानवर, ऐसा नहीं है। तो जब वो अगर आक्रामक हो जाते हैं तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो पहले हम लोग नॉर्मल उसको करते हैं कि पहले प्यार से करके कि नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे करते हैं उसमें। मैं अमन, मेरा जेन्युइनली काम इसमें ये रहता है कि जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा करना रहता है, मेडिकल और इन सब जो भी सुविधा इन लोगों को चाहिए, टीम कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदारी उठाया हुआ रहता है उस टाइम में मैं, और जो भी मेडिकेशन से लेकर के जो भी इक्विपमेंट अगर चाहिए होता है, अगर कोई दवाई वगैरह कुछ भी चाहिए होता है तो उसमें हेल्प करने का काम रहता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, मतलब इसके अलावा मतलब आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस अभी
स्टार्टिंग में स्टार्टअप किया मैंने। तो ये काम आपने जो शुरुआत की थी, तो इसको कंटिन्यू करेंगे क्या आगे? काफ़ी हमारा बहुत ही लंबा प्लान है इस चीज़ को लेकर के। मेरा नाम अमित है, मैं एक BLLB का स्टूडेंट हूँ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से मैं BLLB अपना अभी कर ही रहा हूँ। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। तो आपका इससे जुड़ने का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य यही था कि कभी कुछ करना था, कि कुछ सोशली कुछ वर्क करना था मुझे। तो जैसे कि लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि लोग फूड मटेरियल बांट रहे थे, यहाँ वहाँ कर रहे थे, तो उस चीज़ के लिए मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं भी करूँ, बट ना फाइनेंशियली ना तो मेरे पास किसी का सपोर्ट था इन दोनों चीज़ों। आपको तब बुरा लगता है क्या जब आप सड़कों पे जानवरों को मरा पाया देखते हैं रोड एक्सीडेंट में, तब कैसा आपको लगता है? काफ़ी बुरा लगता है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक चीज़ सोची थी, एक प्लानिंग की थी हमने कि इस चीज़ के लिए भी करेंगे। जैसे क्या होता है कि हमने लोग जानवरों को वहाँ पे देखा डैमेज ज़्यादातर, अगर हम मोहल्ले में जहाँ पे लाइट सही नहीं है, छोटे छोटे पतले पतले सकड़े सकड़े से रोड हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी इंजर्ड जानवर को फेस किया काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोगों के पास अगर थोड़ी फंडिंग आती है तो हम लोग उससे एक सारे जानवरों को एक रिफ्लेक्टर बैंड सबके गले में डालेंगे, जिससे रात में लोकेशन भी अगर, ताकि अगर रात में अंधेरे में जहाँ पे लाइट नहीं भी है वहाँ पे अगर गाड़ी उससे दिखती है तो उसे वो जानवर का एहसास हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जगह पे रोशनी ना होने के कारण जानवर नहीं दिखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि रिफ्लेक्टर लगाना, ये एक तरीका से ये हो जाएगा कि आगे सामने एक जानवर है। जी बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि अगर हम रिफ्लेक्टर लगाएंगे तभी लगा पाएंगे जब सर हमारे पास पैसे होंगे, और पैसे के लिए हमारे पास अभी हमारे पॉकेट मनी इस द्वारा अलाउ नहीं करती है। ऐसा है कि हमने कुछ जानवरों को लगाया है, ऐसा नहीं है कि, पर जितने भी थे हमारे पास दो चार उनको लगाया है, उसके बाद हमारे पास पैसे होते हैं। क्या आपकी जानवरों से अच्छी दोस्ती होगी? तो कुछ मतलब ऐसे कोई जानवर हैं जो आपको देखते ही आकर्षित हो जाते हैं, आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी हम लोग जहाँ पे रोज जाया करते हैं वहाँ पे हम लोग जैसे ही वहाँ अपनी बाइक से जाया करते हैं रोटी वोटी लेके, तो वहाँ जैसे ही बाइक हमारी रुकती है सारे जानवर हमारे हम लोगों की तरफ आने लगते हैं। बिल्कुल भी मतलब उन्हें पता जैसे चलता है कि हम लोग आ गए हैं, बस वो हम लोगों की तरफ पूरा का पूरा झुंड हो जाता है, पूरा का पूरा झुंड आ जाता है। किसी का नाम रहमो है, पहचान आपने दिया, पहचान दिया हमने कि चलो ये व्हाइट सफेद है, बिल्कुल है इनका, तो आप उस नाम से बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते थे नाम पे, अब ऐसा हो गया कि उन जो नाम जो भी हमने नाम रखा है, रैम्बो हो, सीता हो, गीता हो, जैसे ही गाय हैं उन सबका अलग अलग कई सारी नाम, रैम्बो सीता गीता, जी हाँ ऐसी ऐसी नामे हैं। और सांबा भी हमारे पास, छोटा सा सांबा भी है हमारे पास, तो वो पहले नहीं करते थे बट अब ऐसे हैं कि वो हमारे नाम लेने पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं काफ़ी। तो आप ये जानवरों का जो मतलब मरहम पट्टी है वो कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास मरहम पट्टी करने के लिए कुछ नोन ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे हमारे बेगूसराय के यहाँ के सरकारी जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनसे हमारी जान पहचान है, थोड़ी कांटेक्ट है, और भी हमारे पटना के कुछ नोन डॉक्टर्स हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, जो हमारे फ़ोन पे बात करने से, या फिर अगर बेगूसराय में जो हमारे बेगूसराय के डॉक्टर हैं अगर वो उस समय करंट सिचुएशन पे हमारे पास रहते हैं तो उन्हें फ़ोन करके चाहे उनको पिकअप करके हम लोग उस जानवर के पास या जानवर को उनके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। इन द केस अगर वो आउट ऑफ टाउन होते हैं तो वो हमारे पास अपने वॉलेंटियर्स लाइक उनके हॉस्पिटल में जो उनके साथ में जो काम करते हैं वो अपॉइंट कर देते हैं, वो प्रॉपर मेडिकेशन जो हमारे एनिमल को चाहिए होता है वो उनका काम होता है। हमारा बस काम ये होता है कि अगर हम जानवर को देखते हैं कि इनको हाई लेवल ऑफ मेडिकेशन चाहिए तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बाकी का अरेंजमेंट जो होता है उनके गाइडलाइंस के अंदर होता है। तो अगर मान लीजिए इमरजेंसी केस में आप लोग खुद से भी करते हैं? देखिए इमरजेंसी केस डिपेंड करता है कि वो इमरजेंसी केस ऐसा हमारे पास अभी तो कोई आया नहीं है कि जिसमें बिल्कुल इमरजेंसी केस हो और क्रिटिकल हो। अगर वो इमरजेंसी केस लगता है कि हाँ, जैसे कि हमारे पास ऐसे कुछ दिनों पहले एक छोटा गाय था जिसका पैर फ्रैक्चर था बिल्कुल, तो उस केस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पहले ही डॉक्टर से बात करते हैं कि हमारे पास ऐसी गाय है, इनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो पहले वो देखते हैं, वो अपने कंपाउंडर को भेजें या खुद आके देखें, उसके बाद ही उसकी चीज़ें मेडिकलेशन होती है जो भी मेडिकेशन। तो वो अगर आते हैं तो वो क्या आपसे फ़ीस वगैरह लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, जो उनके पास दवा होती है उनकी भी कोई पैसे वैसे वो नहीं लेते हैं। अगर इन द केस सिचुएशन में दवा ना हो या फिर उस समय दवा लाने का समय ना हो तो हम लोग मार्केट से अपने पॉकेट मनी से भी कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं।
तो रही बात फंडिंग की, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? फंडिंग तो अभी तक हमें फंडिंग की कोई हम लोगों को कोई ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं है। नहीं नहीं, फंडिंग हमारे पास आती है, पर जिस अमाउंट की फंडिंग जिसे फंडिंग कह सकते हैं वो फंडिंग होती नहीं है। जैसे सर हमने आपके सामने जिक्र किया, ऐसे हमारे कई लोग हैं सामने, तो उनके सामने जिक्र किया, तो वो हमारे पास अपने स्वेच्छा से 500,000 जो भी हो वो दे देते हैं। इसे कोई फंडिंग के तौर पे हमें नहीं चाहिए, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हमें फंडिंग चाहिए, लाइक हाई लेवल ऑफ प्रायोरिटी वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम बस घर घर से दो रोटी चाय बचा हुआ खाना ये इकट्ठा कर रहे हैं और वो रोड पर जानवरों को फीड कर रहे हैं बस। और फंडिंग की जैसे ज़रूरत अगर हम लोगों को कोई देता भी है तो हम लोग उससे लाइक मेडिकेशन में जो दवा लग रही है, मलहम पट्टी करना हो गया, ये करना हो गया, उस चीज़ के लिए खर्च करते हैं। और जो जानवरों को हम लोग, जैसे हमारे जो कुत्ते होते हैं जो रोड पे, जो वो रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बिस्किट वगैरह उसी पैसे से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा फंडिंग से बस इतना ही, और जो ज़्यादा हमारा फंडिंग है भी नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप जानवर को फीड कर रहे हैं, जो गाय हो या फिर कुत्ता हो, तो जैसे गाय ही हो, तो वो कभी आपको क्या लात मारा है क्या उस समय देते? देखिए हालांकि स्टार्टिंग जब हम लोग इस चीज़ की किए थे तो थोड़ा डर लगता था कभी इस चक्कर में, मतलब कि इस चीज़ों में कहना हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन थी जो गाय वाय को देखना हो, तो कभी हमने इस चीज़ को किया ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को लगता था कि कैसे खिलाएं, क्या होगा, जाएं कि नहीं पास में, बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे जब आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है तो जानवर भी आपको समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उसके बाद फिर आपको इस तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मतलब आपकी जानवरों से अच्छी बॉन्डिंग हो गई? हाँ, हमारी सबसे जानवरों से अब अच्छी बॉन्डिंग भी शहर में ये जो जितने भी हैं लगभग आपके लगभग, हाँ सारे तो नहीं कह सकते बट बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमारी जानवरों से बॉन्डिंग कह सकते हैं। तो आप ये कितने बजे निकलते हैं बेसिकली करने के लिए? देखिए हमारा निकलने का इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं हुआ था करता था कि हम इतने बजे निकलेंगे। जैसे कि लॉकडाउन में दुकानें पहले बंद हो जाया करती थी करीबन 7:30-8 बजे के आसपास, तो हम लोग उसी समय निकलते थे, 8:30-8 बजे हम लोग इसको निकलते थे, क्योंकि उस समय रोड बिल्कुल खाली हो जाती है। तो जानवर क्या होता है कि जब आप उसको फीड करने जाते हैं तो वो इकट्ठे रोड पे भी आ जाती हैं, तो उसमें ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग इसीलिए ऑफ टाइम में जाना पसंद करते थे। बट धीरे धीरे लॉकडाउन जब ओवर हो गया, मार्केट देर तक खुली रहने लगी, तो हम लोग देर रात तक ये काम स्टार्ट करते थे, 10, 10:30, 11 ये हमारा टाइमिंग रहता था। तो वो मतलब एक अपने ही घर से आप खाना मतलब मुहैया करते थे कि सभी घर में जा के मांगते थे? नहीं नहीं, जैसे हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे मैं, अमन, उज्जवल है, ऑस्कर भैया हैं, कुंज है, तो ये सब का काम ये रहता था कि ये अपने अपने मोहल्ले, यानी हम सारों का घर अलग अलग मोहल्ले में है, तो हमारा काम बस इतना ही रहता था कि हम अपने अपने मोहल्ले से जितने भी घर हो सके उसमें से 2-1 रोटी लेके एक पॉइंट पर मीटअप करते थे बस, और रात के उस जगह पे मीट करके सारा खाना ऐड ऑन करके वहाँ से फीडिंग स्टार्ट करते थे बस, और कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर से नहीं। आम लोगों से कोई मतलब प्रशासन से कोई मदद आपको मिली? नहीं नहीं नहीं, प्रशासन वगैरह या आम लोगों से, आम लोग तो हमारे मोहल्ले वाले हो, आम ही लोग कहेंगे उसको, प्रशासन से ऐसी कोई खास मदद वैसी नहीं। जब आप ये करते हैं तो जनता आपको देखती तो आपको लगता है कि हम सोचते हुए कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कभी आपको लगा है कि ये हम जो कर रहे हैं वो मजाक के रूप में हो या सब ऐसा लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये मजाक वाला सीन जो है वो स्टार्टिंग में हुआ था, जब हमने ये चीज़ को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने जब मिलकर स्टार्ट किया था तो काफ़ी लोग कहते थे कि अभी बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ दिन करेंगे फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो वो हमें पता था कि हमें इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, तो उनका ये मानना था, उसमें मजाक में काफ़ी चीज़ सुनने को मिलती थी, बट हमने उसको, हम लोगों ने हमेशा उसको इग्नोर किया है हर जगह से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मजाक करते थे, काफ़ी लोग ऐसे ही मिले जो सपोर्टिव भी थे, काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, मोटिवेशन मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक ही मिला है, काफ़ी मोटिवेशन मिला हम लोगों को। एक छोटी स्टोरी है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये काम स्टार्ट किया था फीडिंग करने का और रोटी कलेक्ट करने का, तो हुआ यूँ था क्या कि हम लोग एक घर पे गए थे, तो हम लोगों ने कहा कि अंकल जी हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, रोटी घर से लेते हैं फीड करने के लिए, तो क्या आपके घर से 2 रोटी मिल सकती है? तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने 5 मिनट देखा, उन्होंने कहा कि इतने अच्छे घर के लग रहे हो, कपड़े अच्छे पहने हैं, रोटी का करोगे क्या? हमने उनको बताया कि अंकल जी अभी आपको कहा तो सही, हम लोग ऐसे ऐसे करते, उन्हें इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों कुछ कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं, तो इनका कुछ कह ही नहीं जा सकता, इन लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मतलब वो पल आपको याद होगा
जब लगा कि आपको देख के आंसू आ गया हो, कोई ऐसा पल आपको याद है? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा और ऐसा सिचुएशन हम लोगों के साथ हुआ है। आज से करीबन 1 महीने पहले की बात है, पोखरिया में एक छोटा सा गाय था जिसका दोनों राइट साइड का पैर बिल्कुल फ्रैक्चर था। तो हम लोगों ने उसको मेडिकेशन देने के लिए हॉस्पिटल लेके गया था हम लोगों ने, बट यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ आपको फिजिकल ट्रीटमेंट का दे सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट के नाम कुछ नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे। तो इस सर्जिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण डॉक्टर ने सिर्फ कहा कि ये ट्रीट इसका नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल दोनों पैर ही राइट साइड से, दोनों आगे पीछे का दोनों का पैर फ्रैक्चर था। तो उस दिन जब उस गाय को हम लोगों को वहीं छोड़ के आना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ने ये साफ साफ कहा था इसको ट्रीट नहीं कर सकते। ये मुझे बोलने में भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि कैसे मैं उस वर्ड को बोलूं, बट उन्होंने अब समझ सकते हैं, उन्होंने बस कहा कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते, बस जो ही जितने भी दिन हैं बस वही हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सर ठीक है, अगर ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इसका पेन कम कर सकते हैं, कम से कम पेन किलर वगैरह देंगे। तो उनको सुबह शाम उनको तो वो आपको मोमेंट्स लगा कि हाँ, वो मोमेंट्स बहुत ही दुख वाला था। मतलब उसमें लगा कि हम लोग इतने हेल्पलेस हैं कि हम लोग बचा नहीं पाएंगे। जी बस हमारे पास लगा कि हम लोग बचा नहीं पाए, हमारे पास कुछ है नहीं, बस वो मोमेंट काफ़ी वो था, प्रॉब्लम वाला था मेरे लिए। जी तो अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, आश्रय को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए आश्रय को अभी हमारे पास वॉलेंटियर्स जो हैं जो बहुत कम है, जो हमें वॉलेंटियर चाहिए वो सीरियस वॉलेंटियर चाहिए। हमारे पास स्टार्टिंग में काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स थे, इनफैक्ट 10 से 8 वॉलेंटियर थे, बट वो कुछ दिन तक सीरियस थे, उसके बाद वो फिर नहीं रहे। तो हम लोगों को आगे अपनी जो मेरी प्लानिंग है उस प्लानिंग के लिए हमारे पास वॉलेंटियर चाहिए जो सीरियस हो, जैसे हम लोग हैं वैसे हम लोगों को अपनी तरह ही सीरियस वॉलेंटियर्स चाहिए। इसको हम आगे की ओर चाहते हैं कि जैसे कि अभी हम सिर्फ गाय को फीड कर रहे हैं एक छोटे स्तर पे। सर आप घर पे खाना खाते होंगे, एक नॉर्मल इंसान घर पे खाना खाता होगा तो वो कम से कम 4 रोटी खाता होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-6 रोटी से गाय का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास लोगों का सपोर्ट मिले, हमारे पास फंडिंग मिले, तो हम गाय के साथ कुत्ते जैसे और भी जितने भी जानवर हैं, आज हम 4 गाय को देख रहे हैं, कल हम 40 गाय को देखना चाहते हैं, उसको हाई लेवल ऑफ फूड प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसको क्वांटिटी उसकी हाई करना चाहते हैं। तो इनमें मुझे हमने सिर्फ सर आपके फंडिंग देने या किसी के पैसे देने से भी नहीं होगा, ये हम 4 लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कम से कम इसमें वॉलेंटियर्स चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, तो इस चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। और हम लोगों ने आगे काफ़ी प्लानिंग कर रखी है, इसको बहुत दूर तक सोच के रखा है। पहले हमारे पास वॉलेंटियर की कमी है, वॉलेंटियर एक बार आ जाए तो हम लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से बेगूसराय के लोग, या बेगूसराय नहीं पूरे देश के लोग, या जो भी देख रहे हैं इसे, तो उसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है कि आज हमारे पास से अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि आप हमारी हेल्प कैसे करें। अगर आप हमारी हेल्प घर बैठ के या फिर अपने घर के पास किसी एक जानवर को भी 1 रोटी खिलाकर भी कर सकते हैं। बस आप अगर कहीं भी गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान से चलाएं कि कहीं कोई जानवर हार ना हो। अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो गली मोहल्ले में बहुत तेज रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि यहाँ पे छोटे छोटे कुत्ते, कई सारे जानवर भी हो सकते हैं, तो उन्हें नुकसान ना हो। और अपने घर के आसपास, आज के घर के हर घर के आसपास कोई ना कोई, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो गाय हो, कोई ना कोई आपको जानवर ज़रूर मिलेगा। आप उसे अपने हिसाब से 1 या 2 रोटी देकर हमारी मदद कर सकते हैं। और इनसे इस चीज़ों के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो आप एक फ़ोटो लेके, अगर आपसे हो सके तो आप एक फ़ोटो लेकर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है आश्रय द सेव द वॉइसलेस, इस पे आप सेंड कर सकते हैं, वो पोस्ट हम अपने पेज पे पोस्ट करेंगे। मैं किवी स्टूडियो का तहे दिल से अपने टीम के तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे
चीज़ों को समझा, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमारी बातों को समझने की कोशिश की, और उनके माध्यम से हम अपने लोग काफ़ी लोगों को हम अपनी मैसेज दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं KVS स्टूडियो का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो देखा आपने कि आज के दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ये बेगूसराय के कुछ चेहरे हैं और कुछ लोग हैं जो इंसानों को छोड़ के साथ साथ जानवरों के लिए भी सोचते हैं, जो कि एक अनोखी पहल है। और हम और आप जैसे लोग जानवरों को मारते हैं और सड़क पे चल रहे जानवरों को ठोकर मार देते हैं और वो साइड में मरा पड़ा रहता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। तो ऐसी सोच हर इंसान को रखनी चाहिए। जो बचा हुआ खाना है वो आप जानवरों को फीड करें, जो आपके आस पड़ोस में जो जानवर घूमते हैं, चाहे कुत्ते हो गाय हो, उसे बचा हुआ खाना खिलाए, क्योंकि वह भूखे रहते हैं और उनकी कोई सेवा नहीं करता, उनकी सेवा सिर्फ आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कभी सिचुएशन में, मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कोई जानवर अगर चोटिल हो या घायल हो, या अगर आपको लगे कि आपको उसका उपचार करना हो, तो आप हमारे जो इनके नंबर्स हैं, जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड, और देखा आपने कि बेगूसराय में कुछ ऐसे चेहरे हैं, तो आप भी बन सकते हैं बेगूसराय का चेहरा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट बेगूसराय के चेहरे, जो कि कहलाते हैं फेस ऑफ बेगूसराय। धन्यवाद, नमस्कार।